हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0.8 एंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिलता है, इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दे रखा है उन्होंने, 0.8 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.3 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास दे रखा है उन्होंने 0.3 दे रखा है, ठीक है, और कुछ दे रखा है तो। और ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से हम एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दे रखा है और ए यूनियन बी का दे रखा है 0.8, और इसका दे रखा है आपका 0.3 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको फाइंड करनी है माइनस, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.8 में से 0.3 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, 0.5 मिलेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है आपका, 0.3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.7 मिलेगा। तो यहाँ से फाइनली आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल के कितना आ जाएगा, 0.5 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 0.7। तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो आपका आंसर है वो आ गया आपका 5/7। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।